कुलभूषण के बाद पाकिस्तान में एक और भारतीय नागरिक गिरफ्तार। पाक का दावा, अधूरे दस्तावेज की वजह से गिरफ्तारी। मुंबई के बिजनेसमैन शेख नवी अहमद को किया गया गिरफ्तार। मामले पर विदेश मंत्रालय की नजर। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, बोले सुधर जाए नहीं तो सुधारना पड़ेगा। आईसीजे के फैसले के बाद एलओसी पर अलर्ट जारी। सीमा पर पाक ने बढ़ाई सैनिकों की तादाद। जम्मू के बडगाम से राइफल लेकर फरार सिपाही नवीद अहमद पर बड़ा खुलासा। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ। हिजबुल ने बयान जारी करके दावा किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने दिन भर चले एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया। 3 जवान शहीद। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब में 2 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान और कनाडा से दोनों आतंकियों के संपर्क। भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंथ विरोधी नेता थे निशाने पर। टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए की पूछताछ जारी। अलगाववादी नेता फारूक अहमद से कल दोबारा पूछताछ। जावेद अहमद बाबा से भी सवाल जवाब। जम्मू में शहीद उमर फयाज के साथियों को खल रही है उम्र की कमी। कहा हमेशा करते थे मोटिवेट। आप बहुत ही अच्छी ड्यूटी करते थे हमारे साथ। साहब हमारे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। कहा बिना सबूत उछाला गया कीचड़। कपिल मिश्रा आज एसीबी को देंगे टैंकर घोटाले से जुड़ी जानकारी। एक मोबाइल नंबर भी लॉन्च किया। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कच्छ और गांधीनगर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। 2 रैली को संबोधित भी करेंगे। कल अफ्रीकी विकास बैंक समूह की बैठक में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से तेलंगाना के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट पर चला योगी सरकार का डंडा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जांच शुरू। एक्सप्रेसवे की क्वालिटी के साथ जमीन खरीदने में भी घपले की जांच। कोयला घोटाला केस में सजा का ऐलान। आज पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को कोर्ट ने दिया है दोषी करार। जेटली मानहानि केस और वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सुनवाई। आईएएस अनुराग तिवारी मामले में आज एसआईटी दे सकती है अपनी रिपोर्ट। मौत से पहले का सीसीटीवी सामने आया। दिल्ली में कैंडल मार्च निकालकर अनुराग के साथियों ने की सीबीआई जांच की मांग। सहारनपुर में हैरान करने वाला मामला। विदेश से पति ने एसएमएस भेजकर दिया 3 तलाक। पीड़ित ने पीएम मोदी और सीएम से न्याय की गुहार लगाई। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में करंट लगने से छात्र की मौत। तेज हवा और बारिश की वजह से सड़क पर टूट कर गिरी थी बिजली की तार। लोगों की शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने नहीं दिया था। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार। कल बारिश से गर्मी से मिली लोगों को राहत। शिमला में भी बारिश से मौसम सुहाना। सैलानियों ने मस्ती की। दिल्ली में नमस्ते गैंग से सावधान। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 76 से ज्यादा मामलों को अंजाम दे चुके थे। इंदौर में टोल प्लाजा पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। तोड़फोड़ के बाद कर्मचारियों को पीटा। पुलिस पर दबाव डालकर समझौता कराने का आरोप। बाड़मेर में भीड़ ने एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। जमीनी विवाद में 2 गुटों में हुई थी झड़प। तमाशबीन बने रहे लोग। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। श्रम रोजगार मंत्रालय का फर्जी मेंबर गिरफ्तार। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल करने के नाम पर ठगे 80 लाख। फरीदाबाद से हुई गिरफ्तारी। संभल में शहीद परिवार ने तोड़ा अनशन। सीएम योगी के शहीद के घर आने के आश्वासन के बाद टूटा अनशन। पाक गोलीबारी में शहीद हुए थे सुधीश कुमार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू। 12 जून तक भरे जाएंगे फॉर्म। 58,000 सीटों के लिए पाकिस्तान पर किया हमला। बलूचिस्तान इलाके में दागे गए 5 मोर्टार। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पिछले हफ्ते ही ईरान ने दी थी चेतावनी। आईपीएल के रोमांचक फाइनल में पुणे को हराकर तीसरी बार चैंपियन बनी मुंबई। आखिरी गेंद पर 1 रन से हराकर पुणे का दिल तोड़ा। मुंबई की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने 130 रन का लक्ष्य नहीं कर सके हासिल।